नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी संस्कृति फूड चैनल में। और आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा जो मैंने तवे पे बनाया है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों चलते हैं, हम बनाते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने 4 ब्रेड ली है, ब्लैक ऑलिव ली है, चीज़ ली है, ऑरिगैनो ली है, सेजवान चटनी, चिली फ्लेक्स और रेड सॉस, नमक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। एक बॉल में मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मिक्स करूँगी। आपके पास जो भी सब्जियाँ और हो तो आप वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसमें मैं ब्लैक ऑलिव डालूंगी। आधा टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी। टेस्ट के हिसाब से नमक डालूंगी। आधा टेबल स्पून ऑरिगैनो डालूंगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ब्रेड पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो मैं घर पे बनाती हूँ वो लगाया है। अगर इसकी भी आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं दोस्तों। अब इस पे मैं मिक्स वेजिटेबल्स डालूंगी। अब इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ चीज डालूंगी। अब मैंने गैस ऑन करके तवा गरम कर दिया है और उस पर मैंने ऑयल लगा के उसको तैयार कर लिया है। आप बटर भी लगा सकते हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर मैं ये स्लाइस रखूंगी और इसको आप लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाइए दोस्तों। अब इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने प्लेट रख के इसको 5 मिनट तक देख लिया है। देखिए अच्छे से सिक चुका है। अब इसको आप गर्म गर्म चटनी या सॉस के साथ सर्व करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।